कर्मों का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक गाय का बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान, एक के बाद एक मोटिवेशनल के साथ, लॉ के साथ, अमेजिंग फैक्ट के साथ, राष्ट्रपति शासन के साथ, इंश्योरेंस कंपनी से है परेशान तो उसका ये है समाधान, हर तरह की नॉलेज आपको दे रहे हैं। और आज भी एक और आ गया सच्ची घटना के साथ, बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। एक दरअसल क्या था, एक बार स्कॉटलैंड में एक फ्लेमिंग नाम का एक आदमी था, और वो फ्लेमिंग नाम का एक आदमी किसान था। वो अपने खेत में अपना काम कर ही रहा था, तब तक उसको एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। उसने उस बच्चे की रोने की आवाज़ को थोड़ा सुना और अपना सारा काम छोड़कर जब वो बच्चे के पास गया, उसने देखा एक बच्चा दलदल के अंदर फंसा हुआ है और पूरी डेथ जोन में है। वो एक डेथ जोन में है। उसने अपना सारा काम छोड़ा और उस बच्चे को निकाला और सेफ जोन में लेके आया और उसको बाथिंग करवाई, नहलाया और उस बच्चे को बोला कि बेटा तुम चले जाओ अपने घर। सेकेंड डे क्या होता है, उस किसान की झोपड़ी के सामने आके एक बहुत ही महंगी कार आके रुकती है और उस कार के अंदर से एक रेडॉल्फ चर्चिल नाम का उस जमाने का बहुत ही अमीर आदमी बाहर निकलता है। फ्लेमिंग भी बाहर निकलता है, किसान भी बाहर निकलता है और ये देख के चौंक जाता है, बिल्कुल रेडॉल्फ चर्चिल हमारे घर आए हैं। रेडॉल्फ चर्चिल ने उस फ्लेमिंग किसान को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। उसने बोला कि थैंक यू, आपने मेरे बच्चे को दलदल में से, आज आपने उसकी डेथ से, उसको डेथ जोन में से बाहर निकाला, आज आपने उसकी जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, बताइए आप क्या मांगते हैं। तब उस फ्लेमिंग नाम के आदमी ने बोला कि देखो सर, कि ये एक सोशल वर्क है और एक इंसानियत के नाते मैंने अपना एक काम किया और कर्तव्य था मेरा, तो इसके लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ये एक इंसानियत के नाते मैंने कर्म किया। तो रेडॉल्फ चर्चिल को कुछ तो देना था, उसका मन माना नहीं। तब तक उस झोपड़ी के अंदर से एक बच्चा दौड़ते हुए आया, छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए बाहर आया। रेडॉल्फ को थोड़ा क्या बोलते शक हुआ, उसने तुरंत किसान से पूछा क्या ये तुम्हारा बेटा है, तो किसान ने बोला हाँ ये मेरा बेटा है। तब उस रेडॉल्फ चर्चिल ने बोला कि आज से तुम्हारा बेटा वहीं पढ़ेगा जहाँ मेरा बेटा पढ़ता है। तो किसान भी खुश हुआ और बच्चा भी खुश हुआ। देखिए कर्मों का फल कैसे अपना काम करते हैं, जरा ध्यान सुनेगा। आगे चलकर वही किसान का बच्चा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना, जिसने वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक पेंसिलिन का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया। आज जो हम सभी जिंदा है, पहला एंटीबायोटिक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक किसान के बच्चे ने इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया। कहानी का असली ट्विस्ट तो यहां से शुरू होता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रेडॉल्फ चर्चिल का जो बेटा था, उसको उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, पता चला निमोनिया हुआ। तो आग उस निमोनिया की जो दवा थी, वो उसी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एंटीबायोटिक बनाई थी, उसी दवा से वो ठीक हुआ। देखिए कर्मों का फल क्या करता है। आगे चलकर वही रेडॉल्फ चर्चिल का बेटा विंस्टन चर्चिल, आगे चलकर वही यूके का प्राइम मिनिस्टर हुआ। तो ये कर्मों की लीला है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। देखिए संसार में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, और एक बात और, दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई कर्म नहीं। तब तक के लिए कैसी लगी स्टोरी, आप लोग जरा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरीज, पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरीज, लॉ के रिलेटेड, अमेजिंग फैक्ट के रिलेटेड, इस टाइम पूरी फॉर्म में चल रहे, कोई भी वीडियो, हर एक वीडियो आपको एक ज्ञान दे रही है, एक सलाह दे रही है, सलाह नहीं साथ चाहिए, एक भी बड़ी अच्छी वीडियो गई मेरी। तो अगर बढ़ाना चाहते हैं अपना ज्ञान, तो देखते रहिए बार बार हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की उड़ान। तब तक ले जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान।